अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये कैमरी 2014 मॉडल का गाड़ी है, 14 मॉडल का गाड़ी है। इसको कंप्रेसर जो कंप्रेसर था पहला, ये कंप्रेसर हमने इसको ये कंप्रेसर या ऑटोमेटिक था पहला। ये सेंसर वाला ऑटोमेटिक कंप्रेसर है, सेंसर वाला। इसको इधर भी सेंसर आता है, इधर भी सेंसर आता है, इधर भी सेंसर आता है। तीन सेंसर वाला कंप्रेसर है। इसको हम आज 2004 मॉडल का कंप्रेसर लगा दिया। ये 2004 मॉडल का कंप्रेसर है। इसको अभी हम फिट्स किया, ये कंप्रेसर लगाया नीचे वाला। इसको सिर्फ कोयल का कनेक्ट करेगा, ये कंप्रेसर है नीचे कोयल का कनेक्ट करेगा। इस कोयल का कनेक्ट करने के लिए आज हम आपको दिखाएगा आप लोग को ये किस तरीके से कंप्रेसर लगाना है और किस तरीके से इसको वायरिंग करना है। ओके सही है। ये जो इसको वायर है, ये जो इसको वायर है, इसको तीन पिन का एक ग्रीव आता है, ये तीन पिन का एक ग्रीव आता है जो बड़ा वाला सेंसर है। इसको सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये कंप्रेसर चालू होकर कारबर छोड़ देगा 10 मिनट के अंदर। ये काम करवा तो आप इसे बना सकते हैं। ये जो नीचे वाला पीछे वाला जो सेंसर है दो तार का, ये तार से हम लोग ये कटवाल लगा दिया। ये सिक्स पिन का कटवाल लगा दिया। चार तार वाला कटर भी लगाएगा, चलेगा, मुश्किल नहीं है। और इसको जो पहला वाला सेंसर है वो भी लगा कर रख दिया, क्योंकि इसको फंका का कनेक्शन मिलने के लिए, ये दो तार वाला सेंसर है। इसको हम यह एक वायर ये बैटरी का यह जो डायनेमिक से लिया, और दूसरा जो दो वायर है इधर से कॉन्टैक्ट वाला पिन इधर से लिया। ये दोनों कॉन्टैक्ट है। ये जो कॉन्टैक्ट है और यह मेन फास्ट किया इधर से, इधर दो तार से और दो तार मेन फास्ट किया कंप्रेसर के अंदर। यह जो पूरा जो ये वायर है, ये वो जो वायर है ये कंप्रेसर में लगा दिया कोयल में। इसको सेंसर का और कोई सेंसर का कोई मसाला नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो बड़ा वाला मसाला है ये जो तीन तार का जो सेंसर है, ये तीन तार वाला सेंसर का यह कार्रवाई सही तरीके से अगर नहीं मिलेगा, अगर आप दूसरा कंप्रेसर लगाएगा ये सही काम नहीं करेगा, 10 मिनट का अंदर अंदर ये कार्रवाई छोड़ देगा, कंप्रेसर खुद बहुत बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेगा, अभी इसके अंदर जो ये वायर है, ये ध्यान से हल करो, ये जो वायर है ये इसमें जो तीन वायर है, ये जो तीन वायर ये लेफ्ट साइड वाला जो वायर है ये हल्का सा ब्लू जो वायर है ये वाला लेफ्ट वाला, ये देखो ये क्लिप, इस तरफ ये क्लिप है, क्लिप का पीछे से हिसाब करेगा। ये लेफ्ट वाला जो ये वायर है ब्लू वाला वायर है ये क्लिप का पीछे वाला तरफ है, ख्याल रखो। ये जो ब्लू वाला वायर है, ये वायर जो है ये कैम का जो सेंसर है, ये देखो इंजन का ऊपर आके, ये कैम का जो सेंसर है, इसमें तीन नंबर वायर है, ये जो तीन नंबर वायर है पिंक कलर का, ख्याल रखो पिंक कलर, ये जो पिंक कलर है ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ये पीछे वाला ब्लैक है, ब्लू है और पिंक कलर है। ये जो वायलेट बोलता है, वायलेट इसको वायलेट कलर बोलता है। ये जो वायलेट कलर है ये एक नंबर वाला वायर जो है, ये फर्स्ट वाला जो वायर है, ये देखो सेंसर, इधर भी सेंसर उधर भी सेंसर है। जो एक नंबर वायर है ये वायर से हम क्या किया, ये वायर से वायर है जो उधर सेंसर का, ये ब्लू वाला हल्का सा ब्लू वाला वायर का है, कंप्रेसर का वायर है, इसमें कनेक्ट कर दिया। अगर ये इधर से ये सिग्नल मिलेगा वही सही तरह से कारबा रुक जाएगा, कारबा बंद नहीं होगा। ये जो वायर है लेफ्ट वाला जो वायर है ये वायर इधर से काट नहीं किया, क्योंकि आदमी को पता चल जाएगा। ये जो इधर से जाके ये इधर से ढूंढ लेगा, ये जो वायर देखा, ये कंप्रेसर का सेंसर का वायर है, ये काला अच्छे तरीके से देखो, ये वायर से सिर्फ एक वायर का इधर कनेक्ट कर देना है और कुछ ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंसर का जो वायलेट कलर है इसके साथ यह हल्का सा ब्लू जो है यह कनेक्ट करके देना है, देने का बाद और इधर कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा छोड़ दे जाए कुछ ज़रूरत नहीं है, खुद बहुत कंप्रेसर चलेगा। और ये जो सेंसर का वायर है, जिस सेंसर से हम लोग कोयल का कंप्रेसर कारबा बना लेगा कटवर्स का जरिए से, ठीक है। इस तरीके से अगर बनाएगा तो कंप्रेसर का कोई मसला नहीं, मुश्किल नहीं होगा, फ़ैन भी चलेगा और ये सेंसर भी लगा कर रखना है फ़ैन चलने के लिए, नहीं तो फैन कभी कभी काम नहीं करेगा।
इस तरीके से काम करेगा इंशाल्लाह यह कंप्रेसर इधर लगाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, अच्छा वाला ठंडा भी आएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।